शनिवार को पार्क रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास आरटीओ द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए एआरटीओ संदीप कुमार पंकज और पीटीओ शारदा मिश्र ने चालक और परिचालकों को गाड़ी चलाने हेतु दुर्घटना से बचने के लिए सावधानियों को बताया। इस मौके पर एआरटीओ संदीप कुमार जायसवाल, बस यूनियन के संजय जायसवाल, विनय कुमार मिश्र, श्रवण कुमार सिंह, मुंशी यादव, अशोक गुप्ता सहित अन्य वाहन स्वामी और चालक परिचालक मौजूद रहे। यातायात के नियमों से हम सब मालिक जब अपने चालक को ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, गलत ओवरटेकिंग भी करते हैं और उस पर हम मोबाइल पर बात भी करते हैं। गाड़ी चलाना, देखिए गाड़ी चलाना जो है ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। चाहे आप अकेले मोटरसाइकिल चला रहे हों, चाहे आप अकेले कार चला रहे हों, चाहे आपका चालक ट्रक चला रहा हो, बस चला रहा हो, टेम्पो चला रहा हो, डिलीवरी बॉय, कोई भी कमर्शियल गाड़ी चला रहा हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी चला रहा हो, गाड़ी चलाते समय सारे लोग चालक ही हैं, सारे लोग चालक हैं। वहाँ कोई अधिकारी नहीं है, वहाँ कोई व्यापारी नहीं है, वहाँ कोई जज नहीं है, वहाँ कोई वकील नहीं है। जब आप स्टीयरिंग पर बैठे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ चालक की भूमिका में हैं, सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पर ड्राइवर हैं। तो कहने का सेंस ये है कि गाड़ी चलाना एक आर्ट है, एक कला है और इसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि रोड पर आप सिर्फ अकेले नहीं चल रहे होते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, आपके साथ कई तरह के गाड़ी वाले चल रहे होते हैं। पर विचार करते हुए सरकार ने अपनी पॉलिसी को बदला कि दंड का नियम तो एक सीमा तक लागू होगा, चेक चालान के द्वारा, बंद के द्वारा या अन्य कार्यवाही करके तो हम नियमों को कुछ अंश तक लागू कर सकते हैं, लेकिन ये नियम तभी पूरे लागू हो सकते हैं जब तक कि जिन पर लागू होना है, चाहे वो वाहन स्वामी हो चाहे वो चालक हो, वो उसको अपने मन से स्वीकार कर ले। दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं कि जब गाड़ी एक वाहन स्वामी अपने चालक को देता है तो इस विश्वास से देता है कि जब तक गाड़ी की स्टीयरिंग पर आप हो, आप वाहन स्वामी के रूप में इस गाड़ी को संचालित कर रहे हो। अब यह इस चालक का दायित्व तो बनता है कि मोटर वाहन से संबंधित सारे नॉर्म्स को ध्यान में रख करके वाहन चलाए, स्टीयरिंग पर बैठने के पहले एक बार अपनी स्टीयरिंग देख ले, ब्रेक चेक कर ले, बैक लाइट चेक कर ले, हॉर्न चेक कर ले, अगर ठंड का टाइम है, फॉग का टाइम है तो जरूर देख लें कि रिफ्लेक्टर पीछे लगा हुआ है कि नहीं, उस पर धूल मिट्टी तो नहीं जमी हुई, उसको साफ कर लें। दूसरी चीज, पता लगा दो मोटर स्वामी ऐसे हैं कि अपने चालकों को उन्होंने गाड़ी दे दिया कि आप बस स्टेशन से जहां से भी गंतव्य पे आपको पैसेंजर को ले जाना है वहां से पैसेंजर को बढ़ें, भरें और दूसरे स्थान तक सुरक्षित ले जाएं। अब उनको नहीं पता है दो चालकों ने आपस में कमेंटबाजी में होड़ शुरू कर लिया कि तुम आगे कि मैं आगे, है ना। अच्छा, एक दिन अगर एक आगे रहा, उसने कहा कि मैं तो 200 रुपए 400 रुपए ज्यादा कमा लिया, अगले दिन उसने कहा चलो आज मैं दिखाता हूं। तो क्या है सबसे बड़ी चीज, उस रूल्स को लागू अगर नहीं हो पा रही है वो चीजें तो कहीं ना कहीं इसमें व्यक्ति जिम्मेदार है, गाड़ी जिम्मेदार नहीं है। गाड़ी में स्पीड इसलिए नहीं रखी गई है कि आप उसको ओवर स्पीडिंग करके दुर्घटना में परिवर्तित कर दे, न तो आपको आपस में कंपटीशन करना चाहिए। एकदम चालक को गाड़ी चलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके गाड़ी में अगर सपोज दैट एक गाड़ी में 40 पैसेंजर बैठे हैं, आपकी बस है 40 लोग बैठे हैं, तो 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा हो सकता है किसी बड़े अच्छे उत्सव में खुशी के माहौल में शरीक होने के लिए जा रहे हों, वो एक खुशी के उत्सव में जा रहे हैं और आपके हाथ में उनके उस खुशी में शरीक होने के पहुंचने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर के पास जा रहा हो और बीमारी से जनित हो, तो उसके लिए तो बड़ी मानवीय संवेदना है उसको समय से डॉक्टर के पास पहुंचा दे। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि किसी दुख या दुर्घटना की जगह पे जा रहा हो कि जहां उसे तत्काल पहुंचना है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण लोग आपकी गाड़ी पर एक भरोसा करके बैठते हैं। और हम गलती
गाड़ियां छोटी छोटी करते हैं, ओवर स्पीड कर लेंगे, आपस में कंपटीशन कर लेंगे, ओवरटेकिंग, डेंजरस ओवरटेकिंग करेंगे। हमने तो देखा है कि जो चालक ओवरटेकिंग बहुत डेंजरस करते हैं, उनके ड्राइविंग में कोई गलती नहीं है, सोच में गलती है। ड्राइवर तो इतने एक्सपर्ट हैं कि मोबाइल पे बात भी करते रहेंगे, एक हाथ से स्टीयरिंग भी घुमा लेंगे और गाड़ी पढ़ा के निकाल भी लेंगे, लेकिन 100 बार आप निकालेंगे दुर्घटना के लिए 1 बार पर्याप्त है। 100 बार आप बचेंगे, 1 बार आप फंसेंगे।